नमस्कार प्रिय दर्शक, आपसे अनुरोध है कि कृपया हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन पूर्णतः निशुल्क रहेगा। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए अनमोल है। इससे हमें नए और विभिन्न जानकारियों से परिपूर्ण विषयों पर वीडियोस बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। हमें सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे लाल बटन जिस पर सब्सक्राइब लिखा है क्लिक करें, या फिर आप इस वीडियो में नीचे राइट कॉर्नर में दी गई सब्सक्राइब की इमेज पर भी क्लिक कर सकते हैं। आप सब्सक्रिप्शन के जरिए फ्री गिफ्ट्स भी पा सकते हैं। अतः ये जानने के लिए हमारा ये वीडियो पूरा देखें, तो देर ना करें, अभी सब्सक्राइब की रेड बटन पर क्लिक करें, हमें सब्सक्राइब करें और जीते ढेरों इनाम। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल ट्रेजर फॉर यू में। दोस्तों, ज्यादातर लोग बैक्टीरिया का नाम सुनते से घबरा जाते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि बैक्टीरिया असल में अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। जी हाँ, और फ्रेंडली बैक्टीरियाज भी हमारे पेट के अंदर ही मौजूद होते हैं। ये बैक्टीरिया बेहद फायदे वाले भी होते हैं और हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होते हैं। अगर आप भी बैक्टीरिया का नाम सुनकर सुरक्षा का उपाय ढूंढने निकल पड़े हैं तो रुक जाइए। सेहत को फायदा पहुंचाने वाले दोस्त बैक्टीरिया आपके पेट में ही मौजूद हैं। इनकी वजह से हमारा पाचन संस्थान ठीक तरह से काम कर पाता है। तो क्या हैं ये बैक्टीरिया, इसके गुण और बीमारियों के संदर्भ में कितने जरूरी हैं ये, और क्या कारगर उपाय किए जाएं इन्हें बढ़ाने के लिए, अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो देखिए हमारा ये यूट्यूब वीडियो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बैक्टीरिया से रिलेटेड। पेट में मौजूद बैक्टीरिया हमारे फायदे के लिए होते हैं या नुकसान के लिए, तो आइए जानते हैं। अगर आप भी बैक्टीरिया का नाम सुनकर सुरक्षा का उपाय ढूंढने निकल पड़े हैं तो रुक जाइए। सेहत को फायदा पहुंचाने वाले दोस्त बैक्टीरिया आपके पेट में ही मौजूद हैं। इनकी वजह से हमारा पाचन संस्थान ठीक तरह से काम कर पाता है। बड़े फायदे का है ये बैक्टीरिया। हमारे शरीर पर करोड़ों जीवाणु बसे रहते हैं, ये सोते जागते हमारे साथ ही बने रहते हैं। त्वचा से लेकर शरीर के अंदर तक ये हर कहीं मौजूद रहते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो आंतों में निवास करते हैं और हमारे पाचन संस्थान में सहायक की भूमिका निभाते हैं। ये बैक्टीरिया कई समस्याओं और बीमारियों से बचाव में भी सहायक होते हैं। शोध बताते हैं कि आंतों में मौजूद बैक्टीरिया हमें मधुमेह, मोटापे, डिप्रेशन तथा कोलन कैंसर जैसी तकलीफों से बचाते हैं। आंतों में मौजूद करीब 300-400 विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया अन्य सूक्ष्म जीवाणु जैसे वायरस और फंगी के साथ मिलकर माइक्रोबियोम की रचना करते हैं। इनकी संरचना माता से मिले जीन्स, जन्म के समय आसपास मौजूद वातावरण तथा खान पान और जीवन शैली पर निर्भर होती है। आंतों में रहने वाले बैक्टीरिया चयापचय से लेकर मूड और इम्यून सिस्टम तक पर असर करते हैं। बीमारियों के संदर्भ में हाल ही में हुए शोध अध्ययन में साबित हुआ है कि स्वस्थ शरीर में रहने वाले बैक्टीरिया बीमार शरीर के बैक्टीरिया से भिन्न होते हैं। बीमार लोगों के शरीर में तकलीफ बढ़ाने वाले बैक्टीरिया अधिक तादाद में होते हैं। शरीर में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया सुनिश्चित करते हैं कि भोजन में से कितनी कैलोरीज लेना है, किस प्रकार के पोषक तत्व भोजन में से ग्रहण कर रहे हैं, इसका फैसला भी यही बैक्टीरिया करते हैं। आंतों में उपस्थित बैक्टीरिया की आवश्यकता से अधिक संख्या शरीर में फाइबर्स को फैटी एसिड्स में बदलने का काम कर सकती है। इसके कारण लीवर में वसा इकट्ठा होने लगता है और इसी के साथ मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी अस्तित्व में आता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम आगे जाकर टाइप 2 डायबिटीज, मोटापा, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस तथा हृदय रोग आदि का खतरा पैदा करता है। इन तमाम तकलीफों से पीड़ितों में विशेष एंटी इन्फ्लेमेटरी गट बैक्टीरिया का स्तर कम पाया जाता है। नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया की संख्या अधिक हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल
ट्रेजर फॉर यू में। दोस्तों, बुजुर्ग होना अपने आप में एक तरह की बीमारी माना जाता है। बुजुर्गों के कूल्हों से बहुत आवाज आती है। जी हाँ, आज हमारा यही टॉपिक है कि उम्र दराज लोगों के कूल्हों से चटकने की जो आवाज आती है, यानी कि बैक कमर के साइड से, ये क्या होता है, क्या ये कोई बीमारी है, इसका इलाज क्या है, इसमें किस तरह के स्ट्रेचेस आते हैं, क्या हम इस बीमारी से निजात पा सकते हैं, और किस तरह से हम इस पूरी बीमारी के लक्षण और उससे रोकथाम कर सकते हैं, इन सभी बातों को अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारा यह वीडियो पूरा आखिरी तक ज़रूर देखें। दोस्तों, हमारे इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे क्लिक करें और ये वीडियो ज़रूर देखें। और हाँ दोस्तों, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स। अध्ययन के मुताबिक इस तकलीफ से पीड़ित लोगों में गट माइक्रोबियम भिन्न संरचना का होता है, जिसमें स्वस्थ लोगों की तुलना में बीमारी बढ़ाने वाले बैक्टीरिया का स्तर अधिक हो जाता है। दिमाग से संवाद करने वाली नर्व एंडिंग्स से पेट भरा होता है। शोध अध्ययन इसी आधार पर पेट के बैक्टीरिया और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की खराबी के बीच संबंध स्थापित करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की समस्या में एंग्जाइटी से लेकर डिप्रेशन, ऑटिज्म आदि शामिल होता है। और रही बात आर्थराइटिस की, तो शोध यह पुष्टि करते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस से ग्रसित लोगों में खास किस्म के इन्फ्लेमेशन या सूजन उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाती है। इसका कारगर उपाय क्या है? कारगर उपाय सिर्फ बेहद आसान है और बहुत कम है। फाइबर से भरपूर भोजन करें, फल सब्जियां साबुत अनाज को भोजन में शामिल करें, शाकाहारी चीजें लें, वसा और शक्कर से भी भरी हुई डाइट से लाभ पहुंचाने वाले बैक्टीरिया को नुकसान पहुंच सकता है और वे इससे खत्म भी हो सकते हैं। जंक फूड से दूरी बनाए रखें। व्यायाम भी फायदेमंद गट बैक्टीरिया की संख्या बढ़ाने में मददगार होता है। इससे बीमारियों में बचाव में भी मदद मिलती है। आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट्स भी लिए जा सकते हैं। तो इस तरह आप अपने आहार को, अपने विहार, अपने विचारों को बदल कर, आप प्राणायाम करके, व्यायाम करके आपके अच्छे बैक्टीरियाज को बढ़ा सकते हैं और जो बैड बैक्टीरियाज हैं उनको कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो बैक्टीरियाज के ऊपर, कि हमारे शरीर में जो बैक्टीरियाज हैं वो दोनों ही किस्म के रहते हैं। हमें कौन से ज़्यादा बेहतर की ज़रूरत है, हमें अच्छे की ज़रूरत है, और हम उनको किस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नीचे सब्सक्राइब की बटन पर अभी क्लिक करें। और इसी के साथ मैं आपसे यहीं विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार। और दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे सबसे ज़्यादा अपडेटेड सेगमेंट की, यानी कि फ्री गिफ्ट बोनांजा। जी हाँ दोस्तों, हमने इस वीडियो के शुरू में बताया कि किस तरह से आप हमें सब्सक्राइब करके गिफ्ट जीत सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमें सब्सक्राइब करते हैं तो आप शामिल हो जाते हैं उन लकी लोगों में जिनके ज़्यादा चांसेस होते हैं हमारे सरप्राइज जीतने के। और हमारा सरप्राइज गिफ्ट जो होता है वो आप तक पहुँचेगा कैसे? हर महीने की 15 तारीख को जो हमारा ड्रॉ निकलेगा, उसमें जितने भी लकी कस्टमर्स होंगे उन लोगों को हम बाय कोरियर हमारा गिफ्ट भेजेंगे और उन्हें कोरियर चार्ज भी नहीं देना है, बिल्कुल फ्री गिफ्ट रहेगा। तो दोस्तों, इस बार का गिफ्ट क्या है, आइए बात करते हैं। इस बार का गिफ्ट है ये सेल्फी स्टिक, वायर्ड सेल्फी स्टिक। और दोस्तों, ये वायर्ड सेल्फी स्टिक है, 270 डिग्री के रोटेशन होता है इसमें, और ये लगभग 3.5 फीट लंबी सेल्फी स्टिक है। जी हाँ, 3.5 फीट लंबी। और ये मिलेगी हमारे उन 100 लकी कस्टमर्स को जो हमें सब्सक्राइब करेंगे। और हाँ दोस्तों, तो हमें सब्सक्राइब जल्द से जल्द करें, हो सकता है ये गिफ्ट आप भी जीतें। और हम यही चाहेंगे दोस्तों कि आप हमें जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बेहद अनमोल है। आप हमें सब्सक्राइब करेंगे तो हमें नई नई जानकारियां आपके साथ शेयर करने का एक जरिया मिलेगा और हम आपके लिए बेहतर और बेहतर वीडियोस बना सकेंगे। तो इस गिफ्ट को जीतने के लिए और भी ज़्यादा गिफ्ट जीतने के लिए, जी हाँ, ये सिर्फ एक महीने का है,
आप हर महीने 15th को जीत सकते हैं और आपका सब्सक्रिप्शन बेकार नहीं जाएगा। पुराने महीने वाले भी उस ड्रॉ में शामिल होंगे, और चाहे किसी भी मंथ में आप जब भी सब्सक्राइब करें, आप हमारे लकी ड्रॉ के एक शामिल सदस्य होंगे। हो सकता है इस महीने ना सही, अगले या उसके अगले या उसके अगले आपको एक बेहतर गिफ्ट जीतने का मौका मिले। और हाँ, जब भी आप सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपना ईमेल लिखना ना भूलें, ताकि हम आपसे संपर्क कर सकें और आपके पास तक ये गिफ्ट, कोई भी गिफ्ट जो भी हमारा रहेगा, हम पहुंचा सकें। तो 100 लकी कस्टमर इस मंथ जीत सकते हैं ये, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, याद रखें। तो दोस्तों, अब बारी है हमारे सबसे ज्यादा अवेटेड सेशन, यानी कि थॉट ऑफ द डे का। तो आज का हमारा जो थॉट है वो ये है कि समझदार इंसान वो नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है, समझदार इंसान वो होता है जो फेंकी हुई ईंट से आशियां बना लेता है। तो दोस्तों, अगर आपको कोई पत्थर फेंके, तो उसको आप उसी उसी पत्थर के बदले में कुछ ऐसा करके दिखाएं कि वो आप से चकित रह जाए, आपसे दंग रह जाए और आपका खुद ही फैन बन जाए। तो दोस्तों, ये था हमारा थॉट ऑफ द डे, और हमारा वीडियो यूं ही देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। इसी के साथ धन्यवाद।